हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो गेमिंग स्मार्टफोन के बीच में, जो कि है असूस रॉग फोन 5 और ब्लैकसैक 4 प्रो। असूस रॉग फोन 5 जो ये ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, और ब्लैकसैक 4 प्रो जो है ये अभी चाइना में ही लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इन दोनों में से आपके कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन का जो बैक डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। असूस रॉग फोन 5 में आपको ग्लास बॉडी का डिज़ाइन देखने को मिलता है बैक के साइड से, और ब्लैकसैक 4 प्रो में आपको मेटल बॉडी का डिज़ाइन देखने को मिलता है बैक साइड से। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के वेट के बारे में। तो असूस रॉग फोन 5 का जो वेट है वो 242 ग्राम है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपको 6000 एमएएच का बैटरी मिलता है, तो इसके वजह से जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू ब्लैकसैक 4 प्रो से, क्योंकि ब्लैकसैक 4 प्रो का जो वेट है वो 220 ग्राम है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो असूस रॉग फोन 5 में आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको रेगुलर नॉइज डिज़ाइन ही देखने को मिलता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, एंड 300 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 1200 नीट का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ब्लैकसैक 4 प्रो के डिस्प्ले के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और फोन के टॉप मिडिल में आपको पंच होल नॉच दिया गया है जहां पर फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 720 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, और इस स्मार्टफोन में आपको 1300 निट का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड माउंट में देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन बेटर है, बट ब्लैकसैक 4 प्रो का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो थोड़ा बेटर है असूस रॉग फोन 5 से, क्योंकि ब्लैकसैक 4 प्रो में आपको 720 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, और जो ब्राइटनेस है वो भी थोड़ा बेटर है ब्लैकसैक 4 प्रो का, क्योंकि यहाँ पे आपको 1300 निट का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो असूस रॉग फोन 5 में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे आपको सोनी का IMX686 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। असूस रॉग फोन 5 में जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 24 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ब्लैकसैक 4 प्रो के कैमरा के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में भी आपको ट्रिपल रेयर कैमरा ही देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा है वो आपको 64 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे आपको सैमसंग का GW3 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट की तरफ से ब्लैकसैक 4 प्रो में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो असूस रॉग फोन 5 में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 888 वाला चिपसेट विद ऑक्टा कोर 2.8 GHz के प्रोसेसर के साथ, और जो GPU वो आपको एड्रेनो का 660 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद रॉग UI के साथ। अब बात करते हैं ब्लैकसैक 4 प्रो के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में भी आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा विद ऑक्टा कोर 2.8 GHz के प्रोसेसर के साथ, और जो GPU वो आपको एड्रेनो का 660 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 11 जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद जॉय UI के साथ। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के एंटूटू स्कोर के बारे में दोस्तों। तो असूस रॉग फोन 5 का जो एंटूटू स्कोर निकल के आया वो 7,40,000 है दोस्तों, और ब्लैकसैक 4 प्रो का जो एंटूटू स्कोर निकल के आया वो 7,88,505 है दोस्तों। एंटूटू स्कोर के मामले में ब्लैकसैक 4 प्रो जो वो थोड़ा बेटर है असूस रॉग फोन 5 से। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम एंड रोम वेंट के बारे में। तो यहाँ पे असूस रॉग फोन 5 में आपको 8GB रैम एंड 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और ब्लैकसैक 4 प्रो में भी आपको 8GB रैम के साथ 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और इन दोनों स्मार्टफोन में गेमिंग रिलेटेड सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो असूस रॉग फोन 5 में आपको 6000 एमएएच का बैटरी देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ब्लैकसैक 4 प्रो के बैटरी के बारे में। तो ब्लैकसैक 4 प्रो में आपको 4500 एमएएच का बैटरी देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइस के बारे में। तो असूस रॉग फोन 5 का जो स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस है 8GB रैम एंड 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज का, इसका प्राइस आपको 49,999 पड़ेगा।
एंड अब बात करते हैं Blacksa 4 Pro के स्टार्टिंग रेंज के प्राइस के बारे में दोस्तों। तो 8GB रैम एंड 256GB वाला जो इंटरनल स्टोरेज है इसका पैसा आपको 44,999 पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। दोनों ही स्मार्टफोन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा वो लगभग में सिमिलर ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो लगभग में सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो बैटरी में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि Asus ROG Phone 5 में आपको 6000mAh का बैटरी दिया गया है और Blacksa 4 Pro में आपको 4500mAh का बैटरी दिया गया, बट दोनों स्मार्टफोन में चार्जिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि इन दोनों में से आप किस स्मार्टफोन को परचेज करने की सोच रहे हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इससे हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।